मेरे चैनल पर आप सभी हजरात का एक बार फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, मैं आपको कुछ हेडिंग बना के दिखाता हूँ। उर्दू में हेडिंग कैसे बनाते हैं वो भी इन पेज में टाइप करके मैं कोरल में लेके आऊँगा, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाऊँगा, खूबसूरत अंदाज में किताबत के लुक में मैं बना के दिखाऊँगा कि वो सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं। आप जो है डिज़ाइन तो बना लेंगे, पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप बना तो लेंगे, लेकिन अगर आपको हेडिंग वगैरह बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, हर कोई ये ट्रिक ये तरीका नहीं जानता है। तो इसको आप देखिए किस तरीके से आप अपनी हेडिंग को कितनी खूबसूरत बना सकते हैं, वो आप देखिएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे, जसने मौलाए कायनात हज़रत अली करीमुल्लाह वजहुल करीम, है ना। और यहाँ पर देखेंगे वह जसने हुजूर सैयदी सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, ठीक है। ये इतना लिखा हुआ है, ये किस अंदाज में कैसे लिखा गया है, कैसे बनाया गया है, आप ये देखिए। और अगर सच पूछे ना, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, ये जहाँ से टाइप किया गया है, जो ये फॉन्ट है, इसके बारे में फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, कौन सा फॉन्ट है, कहाँ से टाइप किया गया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉन्ट होता है हेडिंग वगैरह बनाने के लिए, नाम वगैरह बिल्कुल ऐसा लगता है किताबत है, ये हाथ की किताबत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे। यही लिखना है, जिसे जसने मौलाए कायनात हज़रत अली करीमुल्लाह वजहुल करीम, या ये लिखना है या ये लिखना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले इन पेज में, जसने मौलाए कायनात लिखता हूँ, जसने मौलाए कायनात। तो इसको क्या करना है, अक्सर मैं जो टाइप करता हूँ, ज़्यादातर जो रनिंग फ़ॉन्ट रखता हूँ, बुक वगैरह बनाता हूँ, उसमें मैं फैज़ नस्तालिक लेता हूँ, ठीक है। तो फैज़ नस्तालिक इसमें ना लेकर के मैं लेता हूँ यहाँ पर ताज नस्तालिक, ये ताज नस्तालिक है, समझ गए साहब। तो ताज नस्तालिक ले लिया। तो मेरा अपना तरीका क्या है, जैसे इसमें ज़बर कहीं लगाना है, कहीं जज़म लगाना है, कहीं पेस्ट लगाना है, कहीं ज़ेर लगाना है, तो उसके लिए अलग से मैं टाइप कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए जश्न लिखना है, जश्न ऐसे लिख लिया, यहाँ से पेस्ट ले लिया। इतना लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से ये बनाया सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ से ब्लैक ओवर प्रिंट इसको हटा दिया, और यहाँ से लेकर के अब हम यहाँ चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद और थोड़ा सा बड़ा कर लिया, कंट्रोल यू कर दिया। अच्छा, इसे ये अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह जो है इस तरीके से आ रहा है, देखता हूँ इसमें कैसे आ रहा है, ऐसे ही आएगा अल्लाह, चलिए कोई बात नहीं, अगर हम ऐसे करते हैं तब ऐसे आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो सूट करेगा, जो अच्छा लगेगा वही हम ले लेते हैं। तो इसको मैंने, जैसे ये अल्लाह लिखा हुआ है, इसको मैं अलग से तस्दीद और खड़ा ज़बर अलग से लगाया, तो कुछ ये शेप आया, और वैसे डायरेक्ट लिख दिया तो ये वाला शेप आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैंने गाइड ले लिया, ऐसे किया, यहाँ से भी गाइड ले लिया, ऐसे कर दिया। अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, अब इसको थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे, ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है, तो हल्का से इसे छोटा कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे ना, यहाँ ये ब्रेक अपार्ट कर देंगे इसे, लेकिन ये गायब हो गया। गायब क्यों हो गया भाई, इसको सेलेक्ट करके इसे यहाँ देखेंगे, यहाँ इसको ऑटो क्लोज कर देंगे, इसे यहाँ भी इसे ऑटो क्लोज कर देंगे, तो ये दोबारा आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ रख रहा हूँ इसको, इसको यहाँ, लेकिन इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारी जगह थोड़ी सी बच जाएगी और थोड़ा सा ये खूबसूरत लगेगा। यहाँ ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ला को क्या करेंगे, ला को ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इसे बढ़ा देंगे, और ये यहाँ पे लेके आएंगे, और ये यहाँ पे रखेंगे, और ता को ऊपर लगा देंगे इसे, यानी ते को ऊपर लगा देंगे, यहाँ इसको ब्रेक अपार्ट कर देंगे, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, हल्का सा चाहे आप इसको छोटा कर दीजिए, इतना छोटा बड़ा चलता है, खूब आराम से चलेगा ये, और ये बेहतरीन ये बनके तैयार हो गया ये वाला पोर्शन। अब इसको हम यहाँ रखते हैं, और इसको हम यहाँ रखते हैं, और ये जो है ना, अगर आप चाहें इसको ब्रेक अपार्ट ना करके, एक तरीका ये भी है, ऐसे कर लें, ये ऐसे इससे सेलेक्ट करके, यानी कौन सा टूल लिया, ये लिए सेव टूल, सेव टूल से इसको हमने सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ भी सिलेक्ट हो गया, ये कहीं से जुड़ा रहता है, यहाँ भी सिलेक्ट हो जाता है, तो इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये सिलेक्शन इसका हट जाएगा, फिर इस तरीके से यहाँ हम ला सकते हैं इसको, ये ले आए, ठीक है।
और ये आपका बनके ये भी रेडी हो गया। अब जो है यहाँ पर लगा देते हैं अली, यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ लेके आएंगे। अब इसको मैं लगा के देखता हूँ, हो सकता है ये भी अच्छा लगे, ये भी चलेगा। और यहाँ इसको ले लिए, इसको यहाँ ले लिए, और ये जो मैं लिख रखा हूँ ना, यहाँ पर जो लिख रखा हूँ ये दूसरा फॉन्ट है भाई, दूसरा फॉन्ट है, इसलिए ये तरीका देखो इसमें कितना लाजवाब, कितना खूबसूरत आ रहा है, बिल्कुल किताबत के लुक में आ रहा है ना, किताबत के लुक में। ये वो चीज़ नहीं है, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। अब इसको चाहे हल्का सा स्लाइटली और ऐसे छोटा कर लें ताकि इसको और इधर लेके आए। ये बहुत बड़ा जा रहा है, हल्का सा छोटा बड़ा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, अगर आप चाहें तो ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ लगा सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये गायब हो गया ना, खड़ा जबर गायब हो गया, तो इसे सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ ऐसे लगा सकते हैं थोड़ा छोटा करके, है ना, आप देख रहे हैं आसानी से आ गया ये। और इसको और इधर लेके आइए, इसको और इधर लेके आइए, इसको और इधर, इसको और इधर, इसको चाहें तो थोड़ा सा और छोटा कर लें आप अपने हिसाब से। ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया। अब इसमें क्या बाकी रह गया, ये जो जबर जियर पेस है ये सारी चीज़ें लगा देना है। और हाँ, ये मैं अपने कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि जैसे आप यहाँ देखेंगे इसको भी मैंने ही बनाया है, ये जो बना हुआ है मैंने ही इसे डेकोरेट किया है। तो जैसे इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं सजाने वाले, इसको सजा सकते हैं। तो ये जैसे कहीं से किताबत वगैरह होती है वहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम कैलकुलेटर से ले लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से भी ले लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसको लेकर के यहाँ लगा देता हूँ। आप इसको यहाँ देखेंगे ये, और ये वाला पॉइंट यहाँ से उठा करके यहाँ ला के लगा देता हूँ, और अगर आप चाहें ये वाला लेकर के यहाँ लगा सकते हैं इसे, ये और ज़बर अगर लगाना हो, ज़बर इसमें है, ज़बर चाहे यही वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, जो इसमें ज़बर है ये वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मौलाए कायनात, कायनात में ये यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। और ये सीन है ना, सीन यहाँ लगा सकते हैं, इसे ऐसे यहाँ लगा सकते हैं, जगह भर सकते हैं। और क्या रह गया है, और ये वाला पोर्शन कॉपी करके यहाँ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ, और यही पोर्शन यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं इसे। तो अब ये अच्छा लग रहा है, अब ज़बर चाहें तो आप यहाँ भी ऐसे लगा सकते हैं। मोस्टली ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया, जहाँ जहाँ आपको खाली जगह लगे ऐसे जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे इसे लगा देते हैं, ये बनके तैयार हो गया। देख रहे कितना खूबसूरत बन गया ये। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे बनाया गया ये, कैसे लिखा गया, कैसे हेडिंग बना दी गई, अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।